गुड मॉर्निंग गर्ल्स, और कैसे हैं आप सब? घर पर रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 8 सर्वनाम। सब लोग अपनी अपनी हिंदी रीडर बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 42 कर लिया सबने। पार्ट 8 सर्वनाम। नीचे चित्र बने हुए हैं, पिक्चर्स है ना, नीचे चित्रों को देखिए और इनके नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए, ठीक है। उन चित्रों के नीचे जो वाक्य दिए उनको पढ़ो। माँ ने तरुण से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सेकेंड वाले में क्या है? अमन अपने चित्र बनाता है, वह एक चित्रकार है। थर्ड वाले में क्या है? भूमि ने तान्या से कहा, मैं घर जा रही हूँ। गर्ल्स, इसमें देखना आप लोग, तुम, वह, मैं, इन शब्दों से अब क्या समझ में आ रहा है कि ये सर्वनाम शब्द है ना। अपन सब ने क्लास 1 से क्लास 3 तक सर्वनाम पढ़ा है ना, सबको डेफिनेशंस भी याद है इसकी। ऊपर दिए गए वाक्यों में तरुण, अमन और भूमि के नाम के स्थान पर तुम, वह और मैं शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तरुण, अमन और भूमि कौन है? संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा के बदले में या उसके स्थान पे हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? सर्वनाम शब्द, ठीक है। सर्वनाम का अर्थ है सब नामों के लिए, ठीक है। नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार ना करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्वनाम शब्द मैं, तुम, हम, वह, यह, ये, वे, कौन, कोई, तुम्हारा, मेरा, हमारा आदि, ये कौन से शब्द हैं? सर्वनाम शब्द। ये हम क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि हम बार बार नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग ना करें। जैसे मान लीजिए हम गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी कौन थे, उनके बारे में अपन ने लिखा महात्मा गांधी एक हमारे राष्ट्रपिता थे, महात्मा गांधी को हम बापू कहते थे, महात्मा गांधी के बारे में हमने जो कुछ भी लिखना है उसमें हर एक लाइन में हम महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, वो सुंदर नहीं लगेगा। उस जगह पे हम क्या करेंगे? उनका, उन्होंने, है ना, जो भी उनके बारे में लिख रहे हैं, तो वहाँ हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या है? मैं, बहुवचन में हम, तुम लोग, आप, अपन बड़ों के लिए आप यूज करते हैं ना, वह, यह, ये, वह, वे, इस, इसका, इसे, इन, इनका, इन्हें, उस, उसका, उसे, उन, उनका, उन्हें, ठीक है। आजकल तू शब्द के स्थान पर तुम शब्द के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है, यानी तू शब्द जो है वो बड़ा ऑड सा लगता है, इसलिए हमको क्या बोलना चाहिए? तुम। तू शब्द सही नहीं है, ठीक है। सर्वनाम के भेद। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। गर्ल्स, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, उसके अलावा भी कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है इसको, तो ये क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति, ये तीनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे नीचे लिखा हुआ है, मैंने अपना काम कर लिया है, तुम सब अपना काम कर चुके, वह अपना काम कर रहा है। मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला, वह अन्य व्यक्ति। अन्य शब्द और क्या है इसमें? मेरा, आप, तुम्हारा, हमारा, हम, तुमने, मैंने आदि। ये हमने क्या पढ़ा? पुरुषवाचक। अब सेकेंड नंबर पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चित यानी कंफर्म कि ये पेंसिल, ये पेन उसी का है, वो क्या है? वो सर्वनाम। यह, वह, इसने, उसने आदि, ये शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर
संकेत करते हैं। नीचे आप पिक्चर देखिए, उसमें क्या है, उसमें क्या है, यह हरा तोता मुझे चाहिए, वह सुंदर घड़ी है। यानी यहाँ ये निश्चित है कि यहाँ ये तोता है, घड़ी है, बॉक्स है, ठीक है ना। तो ये निश्चित चीज के बारे में बात कर रहा है, कंफर्म है कि ये तोता ही है, ये घड़ी ही है, ठीक है, ये हो गया निश्चयवाचक। अब आगे नंबर थर्ड में अनिश्चयवाचक, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को जानकारी नहीं देते। अपन जिस शब्द चीज की बात कर रहे हैं, वस्तु की या व्यक्ति की, वो कंफर्म नहीं है, वो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी, किनी आदि, है ना। जैसे यहाँ पे देखो पिक्चर में दिया है, देखो बाहर कोई खड़ा है, क्योंकि वो कोई व्यक्ति जो है उनको अपन नहीं जानते हैं। दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट कुछ पड़ा है। तो जहाँ हम कंफर्म नहीं है तो वहाँ क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर फोर्थ पे आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है हमको, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। यहाँ भी नीचे आपने पिक्चर में देखो क्या लिखा है, आप कौन बोल रहे हैं, आपको किससे बात करनी है। यहाँ ये गर्ल फोन पे है और वो कौन और किससे, यानी उनसे क्वेश्चन कर रही है। नंबर फाइव आ गया संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंध यानी रिलेशन। जो, सो, जिसकी, उसकी। नीचे पिक्चर में क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी उस आदमी के हाथ में लाठी है तो भैंस भी उसकी ही होगी। नंबर सिक्स क्या है, निजवाचक यानी स्वयं के लिए। जो शब्द काम करने वाला कर्ता जो उस कार्य को कर रहा है अपने लिए प्रयोग करता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज यानी स्वयं, खुद के लिए, अपने लिए, है ना। तो इसमें खुद, स्वयं, अपने आप आदि। यहाँ पर नीचे क्या है पिक्चर में, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी, ये गर्ल बोल रही। दूसरी क्या कह रही, हाँ मैं भी अपना काम खुद करती हूँ, यानी हम अपने स्वयं के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। अब लास्ट में क्या आ गया गर्ल्स, आओ दोहराए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के छह भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। इतना समझ में आ गया आप सबको। आपको इस पूरे चैप्टर को अगेन एक बार अच्छे से रीड करना है और समझना है। क्वेश्चन आंसर इसके मैं आपको कल लिख करके भेज दूंगी गर्ल्स। आप सब अब स्टार्टिंग से जो जो मैंने आपको रिटर्न में भेजा है सब लर्न करके रफ कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि मैं आपके टेस्ट भी लूँगी, ठीक है। समझ में आ गया। और जो भी मैं आपको भेज रही हूँ ये सब अपन क्लास वर्क कॉपीज में ही लिखेंगे, और जो मैं आपको लर्न करने को बोलती हूँ वो लर्न करके हम अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।